आपने सॉसेस तो कई प्रकार की ट्राई करी है, बनाई भी होंगी आपने, तो आज हम आपके लिए एक नए प्रकार की सॉस लेकर आए हैं, वेनिला कस्टर्ड सॉस, जिसे आप फ्रूट्स के साथ भी खा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। एक बाउल ले लिया जिसमें मैंने दूध ऐड कर लिया है। अब इसमें ऐड करूंगा मैं शुगर, अब इसमें मैं ऐड करूंगा मैं एग, एग का मैंने योग ले लिया है जिसे हम येल्लोपन कह सकते हैं हम एग का। देन इसमें मैं ऐड करूंगा मैं वेनिला एसेंस, देन इसे मैं अच्छे से मिला लूंगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रखेंगे हम अपने पैनासोनिक माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव पावर लेवल 100 पे इसे हम देंगे 2 मिनट का टाइम। मैंने अपने पैनासोनिक माइक्रोवेव ओवन में जो टाइम दिया था वो हो चुका है कंप्लीट। अब इसे हम बाहर निकालेंगे, अच्छे से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, उसको पानी मिला लिया था। अब इसको ऐड करेंगे हम इसमें और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रखेंगे हम अपने पैनासोनिक माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव पावर लेवल 100 पे से देंगे हम 3 मिनट का टाइम। हमने पैनासोनिक माइक्रोवेव ओवन में जो टाइम दिया था वो हो चुका है कंप्लीट। और हमारी आज की सॉस भी हो चुकी है तैयार, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आने लग गई, देख सकते हैं गाढ़ापन बहुत अच्छे से आ गया, देख सकते हैं आप आराम से। अब इसे करेंगे हम आपके लिए सर्व, आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए।